हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। ये हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। हम यहाँ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप देखिए और आपको जो भी सीखना है उससे सीखिए। तो इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था सिलेबस के बारे में, हमने डिस्कस करा था सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना था, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। और मैंने ये भी बताया था कि हमें टोटल 8 यूनिट पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट 4 यूनिट जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड था, 5th, 6th एंड 8th यूनिट जो है वो हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, और लास्ट यूनिट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज से हैं। तो ये वीडियो जो है इसमें हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा नाम नैनिमा रघुवंशी है, मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगी। तो जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स को हमने बताया, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अप विद द जेनेसिस, विच डील्स अबाउट द जीन्स। जो जेनेसिस के बारे में, मतलब जेनेसिस का मतलब ही होता है बर्थ, जो जीन्स के बारे में डिस्कस करता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। तो अगर हम जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स का जो ओरिजिन है वो एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड क्या है, जेनेसिस। एक लैटिन वर्ड जेनेसिस है, उससे हमारा जेनेटिक्स जो है वो इवॉल्व हुआ है। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है बर्थ, ओरिजिन और मेड अप ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। मतलब जेनेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज की उत्पत्ति होना। तो जैसा हमको पता है कि हमारे पास जो सेल होते हैं, कोई भी सेल होता है, उस सेल के अंदर जो होता है वो डीएनए होता, मतलब क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और इस डीएनए के अंदर उसका जो फंक्शनल पार्ट होता है वो जीन होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक बात, हम एक सिंपल सी ये बात देखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन उसके मदर फादर से होता है। मदर फादर से कैसे होता है, एक फीमेल होता है और एक मेल होती है। फीमेल और मेल में क्या होता है कि जो फीमेल होती है और जो मेल होता है, फीमेल के गैमेट को हम कहते हैं एग और मेल के गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म। फीमेल और मेल गैमेट जो होते हैं उनका आपस में फ्यूजन होता है और एक सेल बनता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब बात आती है कि हमने कहा है कि जो ह्यूमन सेल होता है उसमें जो होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और वो जो भी ऐसा सेल होता है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, और उसको हम मतलब डिनोट करते हैं 2n से। डिप्लॉयड कंडीशन होता है जिसको हम 2n से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैमेट सेल्स होती हैं, कोई भी गैमेट जो होता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल, ये हमेशा n इन नंबर होता है, मतलब कि हैप्लॉयड इन कंडीशन होता है। हैप्लॉयड से हमको समझ में आ रहा है क्या, हाफ। तो इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। जैसे 46 हैं तो इसमें 23 होगा और इसमें भी 23 होगा, और जब ये दोनों आके मिलेंगे तो एक जायगोट बनाएंगे जिसमें 46 होगा, मतलब ये n होगा, ये भी n होगा, और ये जो बना देंगे वो हो जाएगा 2n कंडीशन। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सोचिए कि हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होने चाहिए। अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो वो नॉर्मल केस नहीं होता है, वो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो हमें जो ऑर्गेनिज्म बनाना है वो हमें नॉर्मल केस ही चाहिए। तो अगर ये भी 46 होता और ये भी 46 होता और तब दोनों आके मैच करते तो क्या नॉर्मल कंडीशन रहती? नहीं रहती। इसीलिए क्या होता है, ये हैप्लॉयड कंडीशन, ये हैप्लॉयड कंडीशन है, और दोनों आकर के क्या कर ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जायगोट हमें बन जा रहा है। और हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो डिप्लॉयड इन कंडीशन हमें एक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये था कि जब क्या होता है, गैमेट आता है तो गैमेट के साथ क्या आता है, डीएनए आता है। इस गैमेट में प्रेजेंट क्या रहेगा, डीएनए, मदर का डीएनए और फादर का डीएनए। इस डीएनए के अंदर ही हमको पता है कि जीन्स होते हैं। जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं। तो जब इनका और इनका आ रहा है डीएनए जिसमें जीन्स प्रेजेंट हैं,
तो ही एक नया फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं जेनेटिक्स जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड जेनेसिस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ओरिजिन, किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है। अब ये ऑर्गेनिज्म आगे जाके जिसमें ग्रो करेगा उसकी उत्पत्ति तो यहीं से हुई ना, यहीं से तो वो इवॉल्व हो रहा है। हम हो या कोई भी हो, हम लोग जो है, हम भी कभी एक टाइम होगा जब हमारा जायगोटिक कंडीशन होगा तो हम भी एक सिंगल सेल जायगोट ही रहेंगे, उसके बाद फर्दर सेल डिविजन्स हुए होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मतलब बस ये था समझाने का कि हम जीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें जेनेटिक्स क्या था, जेनेटिक्स क्या होता है, एक बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और ये एक लैटिन वर्ड जेनेसिस से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है ओरिजिन। अब अगर बात करें कि ये जेनेटिक्स का जो टर्म था ये किसने दिया था, तो ये टर्म कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन 1906। ठीक है, जो ये टर्म है वो कौन कॉइन किया था, विलियम बेटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, कब किया था उन्होंने, 1906 में। हालांकि जेनेटिक्स की जो डिस्कवरी थी, जेनेटिक्स की दुनिया में जो हमने कदम रखा था वो हम इसके बहुत पहले रख चुके थे, बट क्या हुआ था कि उस टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, कंडीशंस उतने फेवरेबल नहीं थे कि उस टाइम हमें ये चीज़ें पता चल पाई थी। बाद में जब चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए विलियम बेटसन, उन्होंने 1906 में इसको एक प्रॉपर एक नाम दिया जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। फिर क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड बेसिस फॉर बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द रिलेटेड एंड इंडिविजुअल एंड देयर कॉजेज। जेनेटिक्स करता क्या है, जेनेटिक्स क्या करता है, जितने भी रिलेटेड इंडिविजुअल हैं उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं, सिमिलरिटीज हैं तो क्यों हैं, किस वजह से वो एक दूसरे से सिमिलर है, और क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हम देखते हैं मतलब बहुत हमारे यहाँ देखेंगे ना, किसी भी स्पीशीज में, किसी भी पॉपुलेशन में हम देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन फिर भी हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये रामू है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है। कैसे पहचान पाते हैं, अगर मान लीजिए सब एक जैसे दिखें, जैसे हम लोग क्या, हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर वही हम चाइना वगैरह वाले की बात कर लें तो क्या होता है, लगभग सब सिमिलर दिखते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, समझ में नहीं आता है, सब एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोगों को पहचानते कैसे हैं, कैसे उसी बेसिस पे पहचानते हैं ना। मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, उनके तीन बच्चे हैं, तो क्या तीनों बच्चे सोचिए अगर एकदम सेम रहेंगे तो क्या हम उनको पहचान पाएंगे, नहीं, लेकिन वो एकदम सेम नहीं होते। हाँ, उनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी, हो सकता है उनके कुछ हैबिट्स एक दूसरे से मैच करें, या हो सकता है कोई ऑर्गन एक जैसे, मान लीजिए किसी के नाक, किसी का मतलब कुछ भी, एक आईज कलर या हेयर टेक्सचर, हेयर कोई भी चीज़ें, हेयर कलर मैच कर रही हैं, क्यों, क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स के हैं, लेकिन अलग भी तो होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे हम इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हाँ ये राम है, ये श्याम है, ये राहुल है, ये सोनू है, कोई भी है, तो हम ये चीज़ पहचान पाते हैं। तो वो जो सिमिलरिटीज, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम ये भी पहचान पाते हैं कि हाँ ये फला का लड़का होगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो इसका ना आँख उससे मैच कर, इसके चलने का तरीका देखो, इसके पापा की तरह है एकदम, तो हम ये भी जान। तो जो सिमिलरिटीज आ रही हैं या जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं, उनका रीज़न क्या है, ये भी हमें कौन बताता है, हमें जेनेटिक्स ही ये चीज़ बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें दो नया टर्म देखने को मिल रहा है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, दो टर्म होते हैं, ठीक है, एक मिनट हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, दो टर्म होता है, एक होता है इनहेरिटेंस, और दूसरा होता है हेरिडिटी। अगर हम देखें एक ब्रॉड लेवल पे, एक ब्रॉड सेंस में देखें, तो दोनों का मतलब यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ थिंग्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजों का पास होना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। लेकिन अगर दो नाम अलग अलग हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा उनके बीच में, तो डिफरेंस है क्या। इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ थिंग्स,
चीजों का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कोई चीज लाइक कुछ भी हो सकता है, वो जमीन जायदाद धन दौलत हमें अपने दादा परदादा से जो भी संपत्ति मिल रही है, जो भी जमीन जायदाद मिल रहे हैं, खेत मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, कुछ वो सारी चीजें इनहेरिटेंस में आ जाती है। मतलब टोटल जो भी चीजें हमें मिल रही हैं हमारे पूर्वजों से, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन अगर हेरिडिटी की बात करें तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारा नेचर हो गया, हमारा चलने का तरीका हो गया, हेयर टेक्स्चर हो गया, आइज कलर हो गए, या हमारी नाक हमारे पेरेंट्स से मैच कर रही है, हमारी आई हमारा चेहरा हो सकता है हमारे पेरेंट्स से मैच करे, हो सकता है नेल का फॉर्मेशन, उंगलियां जैसे होती हैं, कहते हैं ना कि इसकी उंगली एकदम इसके पापा पे गई है, इसकी मम्मा पे गई है, ये सारी चीजें मतलब बायोलॉजिकल टर्म में, बॉडी के टर्म में जो चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं वो होता है हेरिडिटी। तो यही बेसिक डिफरेंस है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस, एंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। तो ये है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का की डिफरेंस। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे क्या नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि हेरिडिटी और वेरिएशन, देखिए यहाँ पे भी वही चीजें हैं जो मैं अभी बता रही थी आप लोगों को। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या है? कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, या जनरेशन दर जनरेशन जो चीज़ों का ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि मैम व्हाट इज ट्रेट्स एंड व्हाट इज कैरेक्टर, ट्रेट क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है। तो आप समझिए, देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम कह दें कि लंबाई, अगर हम सिर्फ लंबाई की बात करें तो लंबाई इज अ कैरेक्टर, लेकिन लंबाई कई तरीके की होती है, छोटी लंबाई भी होती है, बहुत अच्छी लंबाई भी होती है, मतलब एक टॉल हाइट भी होगा, एक शॉर्ट हाइट भी होता है, एक मिडिल हाइट भी होता है, मतलब मॉडरेट हाइट जिसको कहते हैं, तो ये होगा उसका ट्रेट। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें, ह्यूमन कलर की ही बात कर ले, तो ऐसा तो नहीं कि हमें सारे ह्यूमंस एक ही कलर के दिखते हैं, नहीं, ह्यूमन कलर इज कैरेक्टर। लेकिन अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स की बात कर ले, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन होता है, तो ये क्या होते हैं? ट्रेड्स। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कैरेक्टर्स की बात करें तो हाइट, मान लीजिए हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं, अब हम इसके डिफरेंट ट्रेड्स की बात कर लें, तो एक हो जाएगा टॉल एंड सेकंड इज शॉर्ट या ड्वार्फ, मतलब लंबे लोग और बौने लोग। हाइट इज अ कैरेक्टर, बट कितने टाइप्स के हाइट होते हैं ये क्या कहलाता है? ट्रेड्स। ठीक है, तो यही है कैरेक्टर और ट्रेड्स, और हेरिडिटी यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना इज द हेरिडिटी। फिर बात आती है वेरिएशन, तो वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वही डिफरेंसेस जो अभी मैं बात कर रही थी कि एक पेरेंट्स हैं, उनके तीन बच्चे हैं, तो तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं, उनके तीन बच्चे हैं, तीनों एक ही जैसे हो जाए एकदम बिल्कुल सेम, अब कंफ्यूज किसका क्या नाम रखा था, उससे कोई बात करनी है तो उससे कर देंगे, उससे करनी है तो उससे कर देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं होता है ऐसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें वेरिएशन रहता है, और यही वो वेरिएशन है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है कि हम लोग आज बने हैं। ठीक है, हमारे जो मॉडर्न मैन थे, हमारे जो प्रिमिटिव एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर उनमें कुछ इवोल्यूशन हुआ तो कुछ और एडवांस कैरेक्टर्स आए, फिर इवोल्यूशन हुआ थोड़ी और एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स आई, ऐसे ही करते करते आज हम मॉडर्न मैन बने हैं जिनको हम होमो सैपियंस सैपियंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएशन की बात कर रहे थे, तो वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ चेंज, कितना चेंज आ रहा है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में,
कोई एक पेरेंट्स है उनसे जो उनको ऑफस्प्रिंग बना है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वही वेरिएशन कहलाता है। या तो कोई एक पेरेंट्स है उनके जितने भी बच्चे हैं उनको हम कहेंगे आपस में सिबलिंग्स, उन सिबलिंग्स के बीच में क्या है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, कितने डिफरेंसेस है एक दूसरे से, वही कहलाता है वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ चेंज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सेम पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है या पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के बीच में कितना डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है वेरिएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी और वेरिएशन है तो हेरिडिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिमिलरिटीज के लिए। सिमिलरिटीज के लिए कैसा रिस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी में हम कह ही रहे हैं कि चीज़ों का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, तो जब वो चीज़ें उन्हीं में से आई हैं तो उन्हीं के जैसी होंगी, तो हो गए ना हम उनसे सिमिलर। तो जो हमारे अंदर सिमिलरिटीज होती हैं हमारे पेरेंट्स से उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है, और जो डिफरेंसेज हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है। हेरिडिटी इज द कॉज ऑफ सिमिलरिटीज व्हाइल वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। और वेरिएशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये वेरिएशन जो होते हैं ना ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन। और देखिए ये देखिए कितनी प्यारी स्लाइड है, इसमें जितने भी बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग। देखिए इसका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है बट इसका नहीं है, इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है। और देखिए हेयर में भी देखिए इसका हेयर इसका ब्लैक है एकदम, ठीक है, और ज्यादा भी है इसका हेयर, डेंस हेयर है इस पे, ठीक है। लेकिन ये देखिए दोनों सब एक दूसरे से, तो यही वेरिएशन शो करता है। और ये देखिए इधर इसमें भी वेरिएशन देखने को हमें साफ साफ मिल रहा है। ये वेरिएशन की वेरिएशन को आपको बताने के लिए एक सिंपल सी स्लाइड थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। मैंने बोला वेरिएशन जो होता है वो भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है। अब वेरिएशन जो हो रहा है दो टाइप्स का हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई सेल है, ठीक है। सेल जो होती है हमारी बॉडी में, सेल दो टाइप्स की होती हैं। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। अब जर्मिनल सेल्स क्या होते हैं, जर्मिनल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जर्मिनल सेल वो होते हैं जो जर्मिनल जर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब किसी चीज का जर्म कब, मतलब जन्म कब होगा, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो वो जो भी सेल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको हम कहते हैं जर्मिनल सेल, और इसके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल, मतलब एक्सेप्ट जर्मिनल सेल ऑल सेल्स आर सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी सेल्स बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है, फिर सेल डिवीजन के लिए, मतलब नॉर्मल जो चीजें हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से उसके अलावा जो भी चीजें हैं उनमें जो भी सेल्स टेक पार्ट करते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, और उसके रिप्रोडक्शन में जो सेल्स टेक पार्ट करते हैं वो जर्मिनल सेल्स कहलाते हैं। तो अब ये सोचिए कि जब हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स हैं तो जब वेरिएशन हो रहा है तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि वेरिएशन देख के होगा कि अच्छे जर्मिनल सेल है तो चलो इसमें वेरिएशन होंगे सोमैटिक में नहीं होंगे, मेरा मन नहीं है सोमैटिक में नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। वेरिएशन किसी में भी हो सकता है, सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है और जर्मिनल सेल्स में भी हो सकता है। तो वेरिएशन किस में हो रहा है इसी के बेसिस पे क्या है टाइप्स ऑफ वेरिएशन होता है, एक कहलाता है जर्मिनल वेरिएशन और दूसरा होता है सोमैटिक वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है, अकर्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन।
जब हमने कहा ना जर्मिनल सेल्स कौन होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, तो रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, अगर उस टाइम में कोई वेरिएशन आ जा रहा है, कोई चेंज आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा, तो उस टाइप के वेरिएशन को हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन। और ये क्या होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन, हमने बोला जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात बताया था कि दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस जो होता है वो किस में होता है, वो जर्म सेल्स में होता है, ठीक है। मतलब जो भी सेल्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, उसमें जितने भी डिविजन्स होते हैं उन डिविजन्स को हम मियोसिस डिविजन कहते हैं। तो जब ये जो जर्मिनल वेरिएशन है ये जर्म सेल्स में हो रहा है, जर्म सेल्स क्या होती हैं, वो सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती हैं, तो उसमें जो डिविजन होगा वो मियोसिस डिविजन होगा। और क्या होता है, ये हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल मतलब गैमिट्स में है, तो गैमिट अल्टीमेटली कहाँ जाएंगी, नए ऑफस्प्रिंग को बनाने में जाएंगी, तो वो उसमें चली गई, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो गई। और हेरिडिटी का डेफिनेशन ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स और ट्रेड्स का जो ट्रांसफर हो रहा है वही हेरिडिटी कहलाता है। तो ये क्या होता है, हेरिटेबल होता है, मतलब पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पास करता रहता है। और अगर वहीं हम सोमैटिक वेरिएशन की बात करें, तो सोमैटिक वेरिएशन अकर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। ये क्या हो रहा है, सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशन आते हैं, तो इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो भी चीज़ें हो जाती हैं और हमारा जो सोमैटिक सेल्स है उसमें अगर कोई डिफरेंस आ जा रहा है तो। लेकिन क्या होगा कि ये सोमैटिक सेल्स तो कभी ट्रांसफर होती नहीं है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, ट्रांसफर तो सिर्फ गैमिट होता है, तो ये हेरिटेबल नहीं होता है। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो भी होगा, मान लीजिए हमारे अंदर कोई वेरिएशन आता है और वो सोमैटिक वेरिएशन है, तो हम मरेंगे तो हमारे साथ वो वेरिएशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑफस्प्रिंग को वो चीज़ें दे के जा रहे हैं, अपनी प्रोजेनी को वो चीज़ें दे के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हेरिटेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन में। डेफिनेशन की बात करें तो हमने देखा था कि सोमैटिक वेरिएशन इज द जेनेटिक वेरिएशन, ये एक जेनेटिक वेरिएशन होता है अकरिंग एनी ऑफ द सेल्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेक्स सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होंगे उनमें किसी में भी हो सकता है। वहीं अगर जर्मिनल वेरिएशन की बात करें तो ये क्या होता है, अकर इन द जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स में ही होता है खाली, ठीक है। ये क्या होगा, जर्म सेल्स के अलावा या सेक्स सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होंगे किसी में भी हो सकता है सोमैटिक वेरिएशन, जबकि जो जर्मिनल वेरिएशन होता है वो सिर्फ किस में होगा, जर्म सेल्स में होंगे। अगर लोकेशन की बात करें तो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं इनका लोकेशन भी हमको पता है कि जर्म सेल्स के अलावा कोई भी सेल्स होंगे उनमें ये प्रेजेंट होंगे, और इनका लोकेशन कहाँ होगा, जर्म सेल्स में होगा। इनहेरिटेंस की बात करें तो ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएंगे, हमारी डेथ के साथ ये वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि ये जो होता है ये हेरिटेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये गैमिट में चेंज ला देता है, और वो गैमिट तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाना ही जाना है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो गैमिट के बिना बन ही नहीं सकता। तो जब गैमिट जाएगा तो उसमें कुछ वेरिएशन आया है तो वो भी ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे मरने के साथ वो ख़त्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं ख़त्म होते हैं, क्योंकि हम उनको दे के जा रहे हैं किसी को, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हेरिटेबल। फिर सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जनरली इसका हमको कोई सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, अभी हमने बताया कि हम मरेंगे तो हमारे साथ ये ख़त्म, तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो उस हिसाब से हम अपने अंदर चेंज लाए हैं अपने जर्म सेल्स में। जब हम कहते हैं ना कि माँ चाहती है कि हमें जो चीज़ें, माँ बाप चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें जो चीज़ें नहीं मिल रही वो हमारे बच्चों को मिले, तो अगर मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है और हमें ये समझ में आ रहा है कि इससे सर्वाइव करने में, इससे डील करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम जो डीएनए बनता है तो ये कोशिश रहती है, वो डीएनए क्या करता है, वो अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाई करना चाहता है कि जो हम ये डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में डालेंगे उसको ये स्ट्रगल ना करना पड़े, ठीक है, उसको ये स्ट्रगल नहीं करना पड़े, तो वो उसमें चेंज ला के देता है। तो इसका देखिए कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। और यही होता है, वेरिएशन जो होता है एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इवोल्यूशन भी हम कहते हैं एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता जाता है, और अल्टीमेटली ये क्या करता है,
कोई नई स्पीशीज बना लेते हैं, जैसे हम बने होमो सैपियंस सैपियंस। हमारे पहले की जो स्पीशीज थे उसको हम कहते थे सर होमो सैपियंस, लेकिन हम जो मॉडर्न मैन है उनको हम कहते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, हम एक नई स्पीशीज हैं। कैसे बने? वेरिएशन के थ्रू। वेरिएशन से क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन से हम बन गए। ठीक है, तो इसका हम देख रहे हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर हार्मफुलनेस की बात करें तो ये हार्मलेस होता है, ना तो इसका फायदा है ना तो इसका नुकसान है। ठीक है, और ये क्या होता है, कभी कभी हार्मफुल भी होता है। ठीक है, अगर अच्छे कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, वेरिएशन हो रहा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन वेरिएशन अगर गलत कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, एक बहुत डिजास्टर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, रेट ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो इसमें बहुत हाइयर रेट ऑफ म्यूटेशन होता है। इसमें म्यूटेशन की रेट जो होती है वो बहुत स्लो होती है। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज। कोई एक सडन चेंज आ जाता है उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इसमें सडन चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि इसमें क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन इवोल्यूशन अभी मैंने बात किया, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इवोल्यूशन में, और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन में। सिनोनिम्स की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन। एक्वायर्ड वेरिएशन मतलब देखिए दो टर्म होता है, एक्वायर्ड और इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है कि इनहेरिट हमारे अंदर है, हम जन्म लिए हैं बाय बर्न, बाय बर्थ हमारे अंदर वो चीजें इनहेरिट हैं, हमारे अंदर हैं। ठीक है, और एक्वायर्ड क्या होता है, जब हम एक्वायर कर रहे हैं कोई चीजें, कहीं से ले रहे हैं, तो जन्म के बाद जो चीजें हम लेते हैं या सीखते हैं उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमको पता है सोमैटिक वेरिएशन है, सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं। और वही ये जो है ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोजेनिक या तो इनहेरिट वेरिएशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के बारे में, कुछ जेनेटिक्स के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जेनेटिक्स का। वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में हम जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप प्लीज़ लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।